उत्तराखंड में एक बार फिर आपदा ने कहर बरपा दिया है। लगातार बाढ़, बादल का फटना, निरंतर तेज बारिश और भूस्खलन के कारण आए दिन उत्तराखंड ऐसी तबाहियों से दो चार होता रहता है। एक बार फिर बेमौसम बरसात ने बीते दो दिनों में उत्तराखंड में जैसे उसकी लाइफलाइन को ही तबाह कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर कैंप किए हुए हैं और अब तक जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों के मौत और घरों के बर्बाद होने की खबर सामने आई है, उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्कर सिंह धामी सरकार से स्थिति की जानकारी ली है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि उनकी सरकार इस संकट से पार पालेगी। सभी लोगों से अनुरोध है कि इस स्थिति में सभी को धैर्य बना के रखना है, सारे लोगों को संयम बरतना है और सरकार हर स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से यहाँ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है, उन्होंने हर तरीके से कहा है और हवाई जो हमारी वायुसेना है वो भी अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रही है और जो लोग जहाँ भी फंसे हैं हम उनको सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रास्तों में जो हमारे पर्यटक आए हुए हैं उनके लिए जहाँ रास्ते बंद हैं उनको भी हम निकाल रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि फिलहाल अभी यात्रा न करें, किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है उसके अभी हम आकलन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस आपदा की घड़ी में सभी लोग थोड़ा संयम बरतेंगे तो निश्चित रूप से मौसम विभाग ने कहा है कि आज देर रात्रि तक मौसम ठीक हो जाएगा तो स्थिति हमारी सब सामान्य हो जाएगी। भारतीय मौसम विभाग ने भी लोगों को चेतावनी दी थी कि हालात सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहें, चार धाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया जाए और पर्यटक जो जहां हैं वहीं पर सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि उत्तराखंड में इन दिनों बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है और बेमौसम बरसात ने कहर बरपा दिया है। सोमवार और मंगलवार को आई आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान नैनीताल जिले को हुआ है। कई जगहों पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ के हताहत होने की भी खबर है। सड़क बंद होने से कई लोग अपनी अपनी जगहों पर फंस गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी लगातार करते दिखे। इतना ही नहीं, आज तो उन्होंने अव्यवस्था होने की वजह से या यूं कहें कि हेली सर्विस प्रभावित होने की वजह से खुद सड़क मार्ग और फिर ट्रैक्टर पर सवार होकर सर्वेक्षण किया, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से मिले, उनका हाल चाल लिया और उन्हें तसल्ली दी कि सरकार उनके साथ है। नुकसान की बात करें तो आपदा प्रबंधन सचिव SA मुरुगेशन ने बताया है कि नैनीताल जिले में ही अकेले आपदा से 8,342 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालात का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों को राहत कोष के रूप में 10-10 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी ताकि तत्काल प्रभाव से व्यवस्थाएं पूरी की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़कों से मलबा साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित बचाया जा रहा है ताकि चार धाम यात्रा जल्द से जल्द सामान्य हो सके। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी स्थिति का नजर बनाकर जायजा ले रहे हैं और संभव है कि उत्तराखंड आकर वो भी हवाई सर्वेक्षण करें। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं, तमाम आला अधिकारी DGP अशोक कुमार और तमाम वो बड़े अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच काठगोदाम में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने गोलापार क्षेत्रवासियों को भरोसा दिया कि गोलापुल के क्षतिग्रस्त अप्रोच वॉल का निर्माण 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। क्षेत्र के प्रधान संगठन भी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिले, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानों को भरोसा दिया कि उनकी समस्याओं का टॉप प्रायोरिटी पर निराकरण किया जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि गढ़वाल और कुमाऊं में आई अचानक इस आपदा को क्या विपक्ष एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनाकर धामी सरकार को घेरेगा या धामी सरकार की इस सक्रियता को मानकर चलेगा कि उनकी सरकार ने गंभीरता और संजीदगी के साथ लिया है, लोगों के साथ खड़ी हुई है। लेकिन ये सियासत है तो क्या 40 से 50 के बीच जिस तरह से उत्तराखंड के लोग इस आपदा में शहीद हो गए, मर गए, अपनी जाने
वहाँ गए, क्या उन पर भी राजनीति होगी? देखना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से धामी सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए ग्राउंड जीरो पर अधिकारियों की तैनाती कर लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उससे विपक्ष कहीं ना कहीं बैकफुट पर जरूर आ गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज वारस।